अब ये मैं इसको ग्रीस करने लगी हूँ, थोड़ा सा हम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे इसको, ठीक है। और इसके बाद फिर हम जो है ना इसको, ये देखें हमने जो मसाला लगा के रखा था ऐसे, फिर हमने इसको ऐसे, फिर देखें कितने प्यारे प्यारे पीस लाते हैं ऐसे। अब हमने इसको ऐसे जोड़ के रखना है, हमने इसको ऐसे जोड़ के रखना है। और अगर आपका दिल है आप इस साइड पे, जितनी आपकी स्पेस है, मेरी डिश में इतनी ही स्पेस है। और अब मैं इसको ब्रॉयल, और मैं इसको ब्रॉयल करूँगी। देख रहे हैं आप, इसको मसाला अच्छी तरह से लग गया है। इसको मैंने 2-3 आवर्स के लिए मैंने कट कर दिया, और मैं अब इसको अपने ओवन के अंदर डाल रही हूँ। अपने ओवन के अंदर डाल रही हूँ। अब ये मैंने ब्रॉयल पे सेट कर दिया, और अब देखें इसका। और बाकी ये मैं अभी इसको संभाल दूँगी। अभी ये हम 2 डेज़ के लिए इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, उसके बाद 2 डेज़ के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। उसके बाद आपने फ्रीज़ करना है तो कर लें, अदरवाइज़ यू नो आपने सारी यूज़ करनी है तो सारी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेल मी कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।